अनुसूचित जनजाति थाना में प्रेमशाही मुंडा अन्य आदिवासी के साथ पहुंचे और कहा कि जिस तरीके से आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है ये बेहद शर्म की बात है। आइए सुनते हैं प्रेमशाही मुंडा और अन्य आदिवासियों ने क्या कुछ कहा। हाँ तो क्या मामला है, आज आप थाना आए एसटीएससी? मतलब लीज में दिए थे तो भाड़ा दे रहा है कि हट रहे, नहीं हट रहे, तीन चार बार गए हटवा रहे हैं, जय भी नहीं कर रहे हैं, यही मामला है मेरा। कहाँ पर है आपका जमीन? वो भवानी होटल बासीदा मोड़ सालगाड़ी में। मेरा घर तो छोड़कलमा पड़ता है। अच्छा, और सालगाड़ी में जमीन है, उसी होटल दिए हैं, उसको लीज में खत्म हो गया, लीज चार साल से, भाड़ा दे रहा है कि हट रहा है, कुछ नहीं हट रहा है, ऐसे मामला है। तो अभी आज क्या उम्मीद है एसटीएससी थाना से आपको? आए हैं वही मतलब नहीं हट रहा, इसीलिए उसको हटाना है किसी तरह से। बड़ी बदबू है। क्या कुछ कहेंगे आप आज के मामले के बारे में? आज हम लोग पीड़ित के साथ अनुसूचित जाति जनजाति थाना आए हुए हैं। ये मामला बुंडू का है और बाईपास जो उसका एनएच है जो रांची से टाटा होकर जाती है, उसमें आदिवासी जमीन है और ये ज़मीन पर जो है हमारे पीड़ित भी हैं, यहाँ पर गोबरा उराम इनका नाम है। इनको पप्पू यादव को, जिसका खाता नंबर है 53 प्लॉट नंबर 340, लगभग 2 एकड़ 8 डिसमिल है, इसको इन्होंने 10 साल पहले दिया था लीज पर। लीज समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद भी 4 साल से उसको जो है खाली नहीं कर रहा है। जब भी जाते हैं इनको आदिवासी सूचक गाली देकर के इनको भगा दिया जाता है। तंग होकर के ये आए हैं, हम लोग भी पकड़े थे कि चलिए हमको न्याय दिलाइए, इन्हीं को लेकर के आज हम थाना पर आए हैं और अभी जाके हम लोग इसको FIR दर्ज करेंगे। इस भू माफिया पे आप क्या कहिएगा, जिस तरह आदिवासी धीरे धीरे जमीन लूटी जा रही है इस पर? देखिए, भू माफिया पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आदिवासी भोले भाले समाज होते हैं, इनको एक्ट और कानून की जानकारी नहीं होती है। उनके पास जाइएगा तो दे देते हैं आनन फानन में, चलो भाई दे दिए, लेकिन इससे सीधेपन का जो है पूरे जो है माफिया तत्व हो, चाहे अफसर हो चाहे नौकरशाह हो, सभी इसको एक इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भोले भाले चीज़ों को जो है इसको फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए हम लोग एक इनको गाली दी गई है और ज़मीन को खाली करने के लिए आज आवेदन देंगे हम लोग, है ना, कि इनकी न्याय मिले, इसी को लेकर के कोबरा उराव के पक्ष में हम लोग आए हैं। आप लोग ये थाना में आए हैं, यहाँ से कुछ सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? इससे पहले हम समझते हैं कि 3-4 मुद्दे को लेकर के आए हैं। एक नगरा टोली वाला आए हैं, एक सतरंजी में ज़मीन आप भी गई थी, तो ये केस करके इनको आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें केस करने के बाद जांच होती है, DSP स्तर का जो है ऑफिसर इनको जांच करते हैं, जांच करने के बाद उनको कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि सिस्टम तो यही है। कल CO के पास जाएंगे, थाना के पास जाएंगे, SP के पास जाएंगे, DC के पास जाएंगे, और हम लोग प्योर जो है रूल ऑफ लॉ के चलने वाले व्यक्ति हैं, आदिवासी समाज जो कानून का सम्मान करती है, तो इसीलिए इसकी सिस्टम से हम लोग आज आदिवासी थाना अनुसूचित जाति जनजाति थाना हम लोग आए हैं और मांग भी करना चाहते हैं कि जो पीड़ित को जो माफिया तत्व कर रहा है पप्पू यादव ऐसे लोगों को, उनको STSC एसोसिटी एक्ट 1989 के तहत उनको मामला दर्ज होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।